कोई ना तेरा सामी ओ कोई ना तेरा सामी जी पार प्रदेश तबानी पूर मां कोई ना तेरा सामी जी ओ कोई ना तेरा सामी जी ओ जे ही कोई ना करदा जो कीती कुर्बानी जी ओ जो कीती कुर्बानी जी संत चंडा उच्चा कीता साडे पंज प्यारे ओ तन दशमेश पिता तेरे चरना तो जावा बलिहारे तन दशमेश पिता श्रद्धांजलि भेंट कर सकी है। इसलिए मन व्यक्ति की एकाग्रता बड़ी जरूरी है। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सुखमी साहब अंदर कहते ने रब की उस्तत करो संत में सावधान अकादर की। इस वास्ते मैं बेनती की थी प्रवान करनी फतेह का जवाब चढ़ी कला विच देना। खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान के इतिहास में 17वीं सदी के पहले दो दहाकों में दो शख्सियत ने जन्म लिया। दहाल शहर में हिंदुस्तान के शहनशाह शाहजहान के घर में उसके पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम उसने महीउद्दीन रखा। वड्डा होके ही महीउद्दीन जब हिंदुस्तान का शहनशाह बनया और उसने अपना औरंगजेब लकब अख्तियार किया। दूसरे बने 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को सिखां दे धार्मिक पवित्र स्थान श्री अमृतसर साहिब में मीरी पीरी दे मालिक छेवें सतगुरु गुरु अरगोबिंद साहब महाराज दे गए विखे
एक साहिबजादा प्रगट होया जिस तरह उन्होंने बाबा त्याग मल रखिया। इस साल नाल औरंगजेब गुरु तेग बहादुर महाराज जी नालों को लगभग 3 साल बढ़े सन। गुरु तेग बहादुर नाल इन्हां दोवां शख्सियतां का मुकाबला असी अज इस मंच तो इस गुरु की स्टेज तो असा करना। इन्हां दोवां शख्सियतां ने हिंदुस्तान की इस तारीख नूं नवें ढंग नाल सिरजिया। जे औरंगजेब ना हुंदा, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत ना होंदी, सिख इतिहास विच एक बहुत वड्डी कमी रह जाती मेरी नज़र में। जिस गल ते सिख मान करता है, जिस गल ते इंसान सिर उच्चा करके कहता है, जिसनू गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने गावे अपनी अगुति कलम नाल लिखे है कि तेग बहादुर सी किरिया करी नकिन हुआन, ये गल हो ही नहीं सी सकती जे ये दो शख्सियत हिंदुस्तान के रंगमंच से ना हो। सत्कारियों खालसा जी, इस तो पहला के अगली गाथा मैं थोड़े सन्मुख रखा, इन्हों दोवान करैक्टर्स नू, इन्हों दोवान शख्सियतों नू वेखना चाहिए। मतलब है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी का वास्ता किस किस्म के मनुख नाल पिया। हिंदुस्तान का शहनशाह शाहजहान बीमार होया और उसकी बीमारी की खबर उसके 4 सपुत्रों नू मिली, जेड़े कि हिंदुस्तान के वक्ो वक्रे सूबिया के सूबेदार सन। आप औरंगजेब पेशावर का हाकम सी, इसनू भी खबर पहुंची कि शाहजहान बीमार है और मरण किनारे। खबर मिलदिया सार इन्हां चौवां ही शहजादियां ने हिंदुस्तान के तख्त उत्ते अपना हक जताउण लई आगे वल मार्च किया। आखिर एक लड़ाई हुई सामूगढ़ के मैदान में, जिस औरंगजेब जेतू रहा। मनना पाएगा कि औरंगजेब बड़ा बलवान बंदा सी, बड़ा तकड़ा सिपाही सी। मैं जब इतिहास पढ़ रहा सी, जादूदार सरकार कहिंदा है हिस्ट्री ऑफ दी औरंगजेब दे चैप्टर सैकंड विच दूसरे वॉल्यूम विच कहिंदा है कि जदों दारे दीआं फौजां दे तीरां दी मार खा के औरंगजेब दा हाथी मैदान चों पिछे हट रहा सी, औरंगजेब ने बड़ी ऊंची आवाज में अपने महावत को आख्या, महावत मेरे वीर के पांव में जगीर डाल दो, जे मेरा हाथी मैदान में पीछे भज गया समझा जाएगा कि औरंगजेब मैदान में पसपा हो गए, मैं हार जावां। चलती हुई लड़ाई में तीरां दी वाछड़ में महावत ने औरंगजेब के हाथी के पैरों में संगल पा दिता। वो दृढ़ता लड़िया, याद रखिए दुनिया में उही जीते ने जो दृढ़ता नाल मैदान जंग में कदम रखते हैं। औरंगजेब जीतया, शाहजहान ते उसने उसनू कैदी बनाया, पिता नू अपने भरावां दा कतल किया और हिंदुस्तान के तख्त उत्ते तख्त मुबारक उत्ते बैठा। तो कैदी किए गए अपने भरा दारा दा सिर ईद वाले दिन कट के उहदा सिर चांदी की तश्तरी विच रख के आगरे के किले विच कैदखाने विच पाए हुए शहनशाह पिता नू एक तोहफे वजों भेट किया। जिहड़ा आदमी अपने वड्डे भरा दा सिर कतल करके अपने पिता नू ईद वाले दिन तोहफे वजों दे सकदा है, उसका हिस्सा कहो जिहा होवेगा? अंदाजा लगाना बहुत औखा नहीं। आओ गुरु तेग बहादुर महाराज जी की गल करिए। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दी सारी बाणी, जिस बाणी दा चर्चा मेरे तो पहला मेरे मानियो दाना वीर बड़े आलमाना ढंग नाल यानी चित्र सिंह जी तुहाडे सामने व्याख्या करके गए ने, मैं उसकी दोहराई नहीं चाहुंदा। लेकिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की महान शख्सियत जिहड़ी है वह उन्हां दी बाणी विच चलदी। एक बने अपने भरा का सिर कतल करके अपने पिता को तोहफा देने वाला औरंगजेब पत्थर दे ले, ते दूसरे बने कश्मीर के पंडितों दिलासा देने वाली शख्सियत, उन्होंने ढहदे मंदिरों की गल,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਸਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ ਮੂੰਹ ਚ ਲਿਆ ਘਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੀਤੀ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਮੁਗਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮੁਗਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਹੀ ਛਕਦਾ ਸਾਂ ਐਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭੇਜਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਾ ਜਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰ ਧੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸੰਗ ਦਿਲ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਲਮ ਟੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਹ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਧ ਵੱਧ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਮ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਾ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਕੱਢੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਹਫੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਫਾਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕਲੰਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਤੰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਨਤੰਡ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤੀ
गुरु नानक जी नामी जोर के दर से पहुंचे, आके विद्या सुनाई। सच्चे पातशाह औरंगजेब के जुल्म ने इन्ना तंग किया है कि कोई रस्ता नहीं रह गया, इस नालों मर जाना ही चंगा है, पर सानू तो मरना भी नहीं होगा। कमजोरों की बाह फड़ो। गरीब नौ सच्चे पातशाह बैठे चुप करके, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह बाहरों आए, संगत में खामोशी, गोद में बैठे बाहरों खेलते आए दशमेश प्यारे। कहते पिता जी चुप क्यों शाही होइए, कलियां वांग टेकन वाली आत्माएं केड़ी गल तो अज कुमलाई होई है, रोंदे आए ने पंडित कश्मीर विचों, और झड़ी हंजुआ दी इन्हें लाई होई है, कौन इन्हें करता है तंग, इन्हें इन्हें गवों में रत सुकाई होई है। सारा पिता जी खोल के हाल दसो, चिंता में क्यों जिंदड़ी पाई हुई है। गुरु तेग बहादुर ने कहा बेटा कमजोर का धर्म खतरे में है, और हकूमत उस धर्म तय तय कर देना चाहती, कोई बचाव नहीं, केवल इस तो एक तरीका बाकी है कि कोई अल्लाह का प्यारा कोई सच्ची सुखी आत्मा इन्हों कमजोर लिए औरंगजेब के दर से जाके कुरबानी दे दो। असी सोचते हो कौन है, इस वास्ते सोचने में बैठे हैं। धन कलगियां वाले पातशाह 9 साल की उम्र, 9 साल बापू की उम्र फड़ के खेडन की उम्र है, खड़ौने नाल खेडन की अवस्था है। लेकिन उस निरंकार ने भेजे हुए दसम पिता नूं जो हौसला दिता, वो इन्ना बुलंद सी, वो इन्ना महान सी कि बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह कहने वाला बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हक नूं पहचानने वाली आत्मा ने कहा बापू एक कम तैनूं ही करना पैणा, तेरे तो बिना ना कमजोरां दी किसी ने बाह नहीं फड़ी, कोई शख्सियत इन्नी प्यारी नहीं जो इन्होंने कुर्बान होवे तो इनकलाब लिया दे। औरंगजेब से चली हुई तलवार तो पिछों का इतिहास, गुरु तेग बहादुर की शहादत तो पिछों का इतिहास बिल्कुल वखरे ढंग दा। जिहड़ा हिंदुस्तान का बछिंदा औरंगजेब का नाम सुन के डरदा सी, गुरु तेग बहादुर की शहादत के 10 दिन पिछों दिल्ली के एक नौजवान ने औरंगजेब के मत्थे में चुक के पत्थर मारिया सी कि यह सब तो वड्डा दान है। यह गुरु तेग बहादुर जी की कुरबानी का सदका, जो कुरबानी होने लगी है। सच्चे पातशाह ने चिट्ठी लिखी, ऐ औरंगजेब तू हिंदुस्तान का शहनशाह है, मुसलमान तेरी प्रजा ने, इस तरह हिंदू भी तेरी प्रजा ने, अगर ये कोई ऐसी गल करते ने जिहड़ी कि सरकार के इंतजाम को खराब कर दी है तो असीं इन्हां दा साथ नहीं देंगे। लेकिन जितों तक धर्म की गल है, धर्म निजी है, बादशाह अपना धर्म प्यारा है, ये तेरी हिंदू प्रजा को अपना धर्म प्यारा है, तैनूं नहीं चाहिए इन्हां उत्ते सख्ती करनी, असीं इन्हां दा केस तेरी कचहरी में पेश करने अपने आप में पेश करते हैं, और शर्त यह कहने कि जे सानूं इस्लाम का धार्मिक बना लिया हिंदुस्तान का हर हिंदू, उस दिन अपने धर्म छड़ के मुसलमान धर्म कबूल कर लेगा। जे तुसीं सानूं ना डरा सके, सानू लालच ना दे सके, सानू कुर्बान तो कर सको, लेकिन तुसी अपना अनुयायी ना बना सके हजरत मुहम्मद साहब का, तो तुहानू जुर्म दी तलवार बयान कर देनी चाहिए। ये मेजरनामा लिख के पंडित कृपा राम नूं दिता, ये डेपुटेशन शेर अब्दुल कोल पहुंचा गवर्नर कश्मीर कोल, ये चिट्ठी उसनू देती, उसने हिंदुस्तान के शहनशाह पास गुरु तेग बहादुर महाराज जी का मेजरनामा भेज दिता, औरंगजेब ने गिरफ्तारी का हुक्म दिता। सच्चे पातशाह आनंदपुर तो तुर लगे, 5 सिखां नाल लिया, भाई गुरदत्ता बाबा बुढ़ा जी की मंसूबे चो, गुरु घर के दीवान भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई उदा रिठौर, ये 5 सिख गुरु तेग बहादुर महाराज जी के नाल तुरे शहादत देने लिए। हिंदुस्तान के दारुल हकूमत में अपनी कतलगाह की वेदी से अपनी बली चढ़ाने लिए सच्चे पातशाह आगे भी पहुंचे। उसे एक माई याद करती है गुरु तेग बहादुर जी नूं, कहानी लंबी ना हो जाए, वक्त थोड़ा है। आखिरकार फौजदार सदर दीन नूं पता लग्या कि हजूर आगरे पहुंचे ने। हिंदुस्तान के बादशाह ने अपने जरनैल नूं हुक्म दिता कि 2200 सवार लैके हुणी जाया जाए, और गुरु तेग बहादुर ते उसके सिखां नूं आगरे चों गिरफ्तार करके दिल्ली पेश किया जाए। हजूर नूं दिल्ली ले जाया गया। एक दिन हवालात विच रखण तों पिछों औरंगजेब दी कचहरी लगी, उस कचहरी विच नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बुलाया, बड़ा आदर से सत्कार कर लगा। औरंगजेब सद के गुरु तेग बहादुर जी ने कुछ कहना चाहता है, सुनना साथियों को।